नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी देहरादून, फर्स्ट ICAR एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का कैच स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। भारी बारिश के चलते बड़ी संख्या में लोग हुए प्रभावित। कठुआ आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद। सीएम धामी ने जताई संवेदना, कहा वीर जवानों का शहीद होना बहुत कष्टकारी और दुखद क्षण। उधमसिंह नगर में आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया निरीक्षण, आपदा प्रभावित क्षेत्र का विस्तार से ली जानकारी। एमडीडीए उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने निजी स्कूल संचालकों के साथ की बैठक। स्कूल परिसर में करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था। हार्वेस्टिंग की व्यवस्था पर स्कूल संचालक ने। और ऋषिकेश के सत्यनारायण मंदिर के बाहर निकला जर। हाईवे पर 2 से 3 मिनट तक रुका ट्रैफिक। रोड क्रॉस करने के बाद ट्रैफिक हुआ सामान्य। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खटीमा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर, सितारगंज, खटीमा और अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। सीएम धामी ने सभी जिलों पर लगातार नजर रखने के दिए निर्देश। सभी संबंधित जिलाधिकारी हर स्तर पर रहे मुस्तैद। जानमाल की सुरक्षा के लिए हर संभव एहतियात बरतने के दिए निर्देश। हर स्थिति से निपटने की तैयारी भी सुनिश्चित करने को कहा। सीएम धामी ने भारी बारिश से होने वाली संभावित आपदाओं के मद्देनजर सतर्क रहने की अपील की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं खटीमा से, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई निरीक्षण किया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो है सीएम लगातार स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं और खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उधमसिंह नगर जिले जनपद जिला आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर जनपद में बारिश के चलते हुए प्रभावित क्षेत्र का विस्तार से जानकारी ली है। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को प्रभावितों को तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि सितारगंज के अरविंद नगर से SDRF ने 360 लोगों को प्रभावित क्षेत्र से रेस्क्यू किया है। जनपद में 981 लोगों को प्रभावित क्षेत्र से SDRF और जल पुलिस ने रेस्क्यू किया। अधिकारियों ने बताया कि तहसील खटीमा अंतर्गत ग्राम हल्दी में 3 व्यक्ति मृतक, सितारगंज के ग्राम निर्मल नगर में 2 व्यक्ति लापता हुए हैं। व्यक्तियों की खोज की जा रही है। मंत्री ने बताया कि सितारगंज, खटीमा और नानकमत्ता में लगभग 300 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। 1500 से अधिक लोगों को प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित करके विद्यालयों में रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है। कदरपुर, किच्छा, चितारगंज, खटीमा और नानकमत्ता में लगभग 383 से अधिक परिवार से प्रभावित हुए हैं। 1500 से अधिक लोगों को उन्होंने विस्थापित करके विद्यालयों में रखा है। लगभग 70 परिवार अपने रिश्तेदारों के यहां गए हैं और सरकार लगातार उसकी चिंता कर रही है। हमारे डीएम, हमारे SSP, हमारे कमिश्नर मौके पे हैं। उनकी भोजन की व्यवस्था, उनकी रहने की व्यवस्था सरकार कर रही है और प्रभु का शुक्र है कि इतने बड़े हादसे के बाद जो कैजुअल्टी हुई है, 1-3 खटीमा में हुई है और 2
शिकार के जो लोग लापता हैं और जो सरकार द्वारा आपदा के नॉर्म्स के अनुसार जो मुआवजा है कल उनको हम, क्योंकि आज हमारी प्राथमिकता लोगों को विस्थापित वहां से करना और उनको भोजन पानी की व्यवस्था हमारी प्राथमिकता थी और कल जो सहायता की मदद है उनको दी जाएगी। और जैसा कि मुझे बताया गया, क्योंकि खटीमा में जो आंचल डेयरी है वो भी पूरी तरह डूब गई है और वहां दूध की बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है और यहां से दूध वगैरह भी वहां पर भेजा जा रहा है और किसी प्रकार की कोई भी कमी उनके खान पान में रहने के लिए नहीं हो रही है। ये मैं पूरे विस्तार से सबके जो बने अधिकारियों से भी जानकारी ली मैं कहना चाहता हूं और इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार इन विस्थापितों के साथ खड़ी है। और जैसा कि अभी मौसम विभाग से जानकारी मिली है कि अगले दो दिन तक अभी रेन नहीं है तो और जो सही आंकड़े जब दरस्तर नीचे आएगा। और हल्द्वानी से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कठुआ आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए हैं, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी ने जताई अपनी संवेदना, वीर जवानों का शहीद होना बहुत कष्टकारी और दुखद, ये कहना है सीएम धामी का, प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत पीड़ा का क्षण, हमने भाई और बेटा खोया, सैन्य परंपरा का पालन करते हुए मां भारती के चरणों में अपना सर्वस्व की अनौछावर, वीर जवानों का ये बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ, आतंकवादी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, पनाह देने वाले भी इसके परिणाम भुगतेंगे, उत्तराखंड वीर सैनिकों को जन्म देने वाली भूमि, इस दुखद घड़ी में मुख्य सेवक परिजनों के साथ। देखिए उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि है और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है, लेकिन हमारे 5ों जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा, आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय में मैं जिन परिवारों ने अपने बेटों को, अपने पारिवारिक जनों को खोया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को भगवान इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, उनको साहस प्रदान करे। हम सब, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन वीर जवान शहीद परिवारों के साथ है, प्रकार से साथ है। इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको, दिवंगत आत्माओं को, उन वीर जवानों को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। निश्चित रूप से बहुत बहुत दुखद है और ऐसे समय में हम परिवार जनों के साथ खड़े हैं, हमारे परिवार के हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी शहादत दी है वो संपूर्ण देश के लिए दी है, संपूर्ण देश की रक्षा के लिए दी। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कठुआ आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए हैं, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शोक संवेदना की प्रकट, जवानों के शहीद होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक, ये कहना है मंत्री गणेश जोशी का, वीर जवानों को ईश्वर अपने चरणों में दे स्थान, शोकाकुल परिजनों को इस दुख से सहन करने की दे शक्ति, प्रदेश सरकार दुख की इस घड़ी में शहीद परिवारों के साथ खड़ी है, वीर जवानों के सम्मान में विद्यालय और सड़कों का नाम रखा जाएगा शहीदों के नाम। एक बार फिर उत्तराखंड के वीर जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। एक आतंकवादी मुठभेड़ में हमारे 22 गढ़वाल के नायब सूबेदार अनंत सिंह रुद्रप्रयाग के थे, हवलदार कमल सिंह जो पौड़ी से थे, रेफरेंट अनुज नेगी जो पौड़ी से थे, रेफरेंट आदर्श नेगी जो टीरी के थे, नायक विनोद सिंह जो टीरी के थे, अपने प्राणों की आहुति दी है। इस कष्ट की घड़ी में पूरी उत्तराखंड सरकार, पूरी भारत की सरकार इन बलिदानों के साथ खड़ी है और
इन परिवार को भरोसा दिलाती है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उन शहीद के सम्मान में जो भी बेहतर हमारी सरकार करेगी, इनकी भावनाओं के अनुरूप इनके परिवार से पूछकर वहां के विद्यालयों व सड़कों का नाम इन शहीदों के नाम पर रखा जाएगा और जो भी हर संभव मदद होगी सरकार की करेगी। मैं दिल की गहराइयों से इन भारत माता के अमर सपूतों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अपने श्रद्धा सुमन करता हूं। तो वहीं आगामी 22 जुलाई को कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी हरिद्वार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित जिले की टीम ने नारसन बॉर्डर पर पहुंचकर कांवड़ मार्ग और कांवड़ पटरियों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए उनकी सुविधाओं को देखते हुए कांवड़ पटरी और कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया है। पिछले यात्रा में 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार आए थे और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार ये संख्या और अधिक बढ़ सकती है, इसलिए उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। हरिद्वार गंगा जल लेने आने वाले सभी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। होने वाली है और 22 तारीख से जो कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और 2 को समाप्त होगी हमारी, तो उसके संबंध में जो तैयारियां हमारी हैं उसको देखने के लिए और जो सुविधाएं हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अपने अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए और जितने भी हमारे कांवड़ यात्री आते हैं उनको क्या सुविधाएं हम लोग और ज्यादा बढ़ा के दे सकते हैं, इसको लेकर आज ये निरीक्षण का कार्यक्रम हमारा है। वैसे तो पूरी तैयारियां हमारी टीम ने पहले से कर ली हैं और जो जो सुविधाएं हमें क्रिएट करनी है उसके संबंध में टेंडरिंग उन लोगों ने कर दी है और लगभग 14-15 या उससे पहले सारी फील्ड में हम सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लेंगे, लेकिन एक इंस्पेक्शन करके हो सकता है कि उन तैयारी में कमी हो तो उसको देखने के लिए हम लोग। सर पहले भी इतने में रजिस्ट्रेशन ये अगर प्रैक्टिकल नहीं है, अगर इतनी संख्या में आते हैं, देखो लास्ट ईयर लगभग 5-4 करोड़ करीब कांवड़ यात्री आए थे, इस साल हो सकता है संख्या बढ़ेगी, तो रजिस्ट्रेशन इतना मुझे नहीं लगता कि आप। और देहरादून से इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें एमडीडी उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने एक अहम बैठक की है और ये बैठक निजी स्कूल संचालकों के साथ में की गई है। प्राइवेट स्कूल परिसर में करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था के लिए स्कूल संचालकों ने जताई सहमति। भूमिगत जल के विभिन्न कारणों के चलते लगातार आ रही कमी, कहना है वीसी वंशीधर तिवारी का, वर्षा जल के संग्रहण के प्रावधान का सख्ती से पालन आवश्यक। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य में निजी स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका। स्कूल में 15 से 20 दिनों में करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था। निजी स्कूलों के संचालकों ने जल्द ही अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की कही बात। मानसून सीजन के दौरान अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए छात्रों को करें प्रेरित। मल्टी लेवल पार्किंग का करें इंतजाम। शहर में पार्किंग के बढ़ते बोझ को किया जा सके कम। स्कूल में आने वाले वाहनों को कर सकेंगे पार्किंग का इस्तेमाल और स्कूल की छुट्टी के बाद पार्किंग को जनता के लिए कराया जा सकता है उपलब्ध। और देहरादून से एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। डीएम सोनिका ने एक अहम बैठक की है, ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गौ सदन की स्थापना और संचालन समिति के साथ ये बैठक की गई है। नगर निगम और पशुपालन विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश, मानक पूर्ण कर रही गौ संस्थाओं को गौ सदनों के संचालन की दी जिम्मेदारी। निराश्रित और बेसहारा गौवंश पशु के लिए मानकों के अनुरूप आश्रय स्थल और संस्थाओं का करे चयन। आश्रय स्थल पर पशुओं के भ्रमण पोषण की हो व्यवस्था। संरक्षित गोवंश को विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण और समुचित चिकित्सा व्यवस्था कराएं उपलब्ध। ये बड़ी खबर आप तक देहरादून से पहुंचा रहे हैं, जहां डीएम सोनिका ने की गौ सदन की स्थापना और संचालन समिति की बैठक। ऋषिकेश हरिद्वार के बीच सत्यनारायण मंदिर के बाहर हाईवे पर जंगल से अचानक अजगर नीचे आया। अजगर को बचाने के लिए चालकों ने वाहनों को हाईवे पर खड़ा कर दिया, जिससे कुछ देर तक हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। अजगर ने जब हाईवे पर सड़क को क्रॉस किया तब जाकर ट्रैफिक
गंतव्य की ओर रवाना हुआ। इस दौरान वाहनों में सवार सैकड़ों लोग अजगर को देखने के लिए ललायत नजर आए। लोगों ने इस नजारे को अपने अपने मोबाइल के कैमरे में भी कैद कर लिया। सत्यनारायण मंदिर के बाहर हाईवे पर अजगर आने की वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुई है। वीडियो में लोग कहते सुनाई दे रहे हैं कि अजगर करीब 12 फुट का है और उसने अपनी भूख शांत करने के लिए कुछ निगला हुआ भी है, फिर भी वह काफी तेजी के साथ सड़क को क्रॉस करके जंगल में चला गया। और पौड़ी से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें मुख्य सेवक धामी जो है वो प्रातःकालीन भ्रमण पर निकले हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्य सेवक ने भ्रमण के दौरान दुकानदारों, बच्चों, महिलाओं और स्थानीय आमजनों से भेंट कर जानी उनकी कुशलता। सरकार द्वारा संचालित विकास कार्यों और नीतियों का लिया फीडबैक। मुख्य सेवक ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता का दिया संदेश। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पौड़ी से, जहां पौड़ी में प्रातःकालीन भ्रमण पर निकले मुख्य सेवक धामी। मुख्य सेवक ने भ्रमण के दौरान दुकानदारों, बच्चों, महिलाओं और स्थानीय आमजनों से भेंटकर उनकी कुशलता और उनका हालचाल जाना। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, लोगों से भी मिले हैं। उसके बाद पौधारोपण भी किया है और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और जागरूक होने का उन्होंने संदेश दिया है। साथ ही सरकार द्वारा जो विकास कार्य और नीतियां लोगों के लिए चलाई जा रही है उनका भी फीडबैक लिया है। और हल्द्वानी से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें पीड़ितों का हालचाल जानने निकले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हल्द्वानी से पीड़ितों का हालचाल जानने पहुंचे हैं मुख्य सेवक। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। भारी बारिश के चलते बड़ी संख्या में लोग हुए प्रभावित, ये कहना है सीएम धामी का। आपदा राहत काम में तेजी से कार्य करें, संबंधित अधिकारी अलर्ट मोड पर। पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना हमारी प्राथमिकता, पीड़ितों को दी जाएगी हर संभव मदद। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं यहां हल्द्वानी से। मुख्य सेवक धामी पीड़ितों का हालचाल जानने पहुंचे हैं और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, उस दौरान लोगों से बातचीत की है और यहां पर अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये तो कच्चे वाले का जो आउटफॉल वाला एरिया पड़ता है, इधर हमारा हर साल पानी भरता है। हर साल इस बार भी भरा हुआ है, इस बार भी भरा हुआ है। इसमें एडीबी की जो परियोजना है पानी भरने की जो घोषणा करते हैं, तो इसमें रखते हैं आउटफॉल का निर्माण का काम करता है। अगले सीजन में ये हिस्सा तो रिजॉर्व नहीं होगा। दूसरी जो दिक्कत आई थी वो लाल कुआ में दिक्कत आई, जो मेरी एरिया है उसमें अगर ये देवपुरी नाला ये नाले को क्योंकि पहले शहर में बनता था अपने एरिया में पानी, तो इसमें पहले जो ज्यादा से ज्यादा राहत, ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचानी है, उनकी सहायता करनी है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, उन सब कामों के लिए कहा गया है। सभी अलर्ट मोड में रहें और जो भी जरूरी हो उस काम को करें। अभी सभी को चूंकि कहा गया है कि आपदा राहत के काम को प्राथमिकता से लें, जो सड़कें हमारी कट गई हैं या संपर्क टूट गया है उनका संपर्क स्थापित करें। जहां भूस्खलन हो गया है, मलबा आ गया है, जहां संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुल बह गए हैं, वहां पर कुछ वैली ब्रिज भेजे जा रहे हैं, उन सबको हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले जो है हमारा जो जनजीवन जो काफी प्रभावित हुआ है वो सामान्य। अतिक्रमण को भी देखेंगे, जहां पर अतिक्रमण हुआ है अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। और तमाम जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से स्थिति दयनीय है, अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं बारिश की गंभीरता की। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सर्वेक्षण भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, ऐसे में अधिकारियों को सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं?
खटीमा भी सीएम धामी जो है अपने चौपर से पहुंचे और हवाई सर्वेक्षण किया है, लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में जो मौसम लगातार यहां पर रौद्र रूप दिखाने लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से बारिश लगातार यहां पर हो रही है, अब लोग तो बस यही चाह रहे हैं कि बारिश रुके किसी तरह से, क्योंकि मौसम में तो फर्क आया ही है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उनसे स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं, हालचाल भी जान रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को भी यहां पर निर्देश दिए गए हैं कि जरूरी अपनी तैयारियां पूरी करें। हाँ, कहे तो इस बार हम कह रहे हैं कि ज्यादा मार जो है इस पर कुमायूं क्षेत्र में देखने को मिल रही है और वहाँ भारी बारिश भी हुई है। चाहे कोई पिथौरा गढ़ की यहाँ अल्मोड़ा या कहीं भी कहें, अभी अल्मोड़ा पिछले 2-3 दिन पहले एक पुराना जो पुल था वो भी बह गया, कई पुलियां भी बह गए, जिससे कई जगह मार भी अवरुद्ध हुए हैं और जो यहाँ पर कई जगह घूम के भी जाना पड़ रहा है। साथ ही सबसे बड़ी बात कहे लगातार लोगों के घरों में पानी, कुओं में पानी और बहुत ज्यादा इस बार लगातार जो इतनी भारी बारिश हुई है उससे कहीं आम जनजीवन का बहुत मुश्किल हो गया। और एक चीज हम लगातार कई चीजों से हम ये आकलन भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो पुरानी जगह है, चाहे हल्द्वानी शहर हो, चाहे खटीमा हो, चाहे जो पुराने जगह हैं, वहाँ कहीं ना कहीं ये दिखती है, पर जहाँ पिछले 3-4-5-6 साल से ये डेवलप हुई है, जहाँ नदी नाले बंद कर दिए गए हैं, जहाँ निकासी नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ कहीं ना कहीं ये ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये हमारा देख रहे हैं कि जहाँ पुराने स्थान थे, पुराने घर के स्थान थे, वहाँ इतना पानी नहीं है, क्योंकि स्थिति यही है कि पानी का निकास है, लोगों ने ज्यादा यहाँ कहीं नहीं किया, पर अन्य जगह जहाँ ज्यादा डेवलप हुई है, नए इलाके डेवलप हुए हैं, वहाँ ये ज्यादा है, क्योंकि वहाँ ये भी देखा गया कि कहाँ ज्यादा पानी आता है। अगर लोगों ने कहा पानी का इलाका तो वहीं मकान बना दिए, या कहीं ऐसी जगह मकबे नदी नाले द्वारा सारे बंद हो गए, कहीं चीजें बंद हो गई, तो ये चीजें सबको सोचनी पड़ेगी। जब पानी आता है फिर लोग कहते हैं कि लोग प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा, फिर प्रशासन कहीं ना कहीं होता है, पर हमें ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि जिस स्थान पर हम मकान बना रहे हैं वहाँ निकासी क्या है और वहाँ पानी कितना पहले लोगों के यहाँ उस एरिया में आता है, तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। क्योंकि आदमी कभी भी अपना मकान बनाता है उसको भविष्य के लिए ध्यान रखना चाहिए, जिस जगह हम अपना मकान बना रहे हैं कि मकान एक ही बार बनता है, बार बार तो बनता नहीं है, हम ऐसे स्थानों पे ना बनाए कि जहाँ पहले से भी पानी दिक्कत हो, वहाँ पानी की निकासी ना हो, निचला हिस्सा हो, पानी ज्यादा भरता हो, तो ऐसी चीजों को भी देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर सांसद प्रसारा पर पूरा कार्य कर रहा है, लगातार वहां पर लोगों को राहत चीजें पहुंचाई जा रही है। मैंने बताया ना खटीमा में 2 लोगों की डेथ भी हुई है, तो पूरे आज वहां पूरे चुनाव क्षेत्र का सर्वे कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश कर रहे हैं और हर संभव वहां जितने पीड़ित उनको भरोसा भी दिया, लोगों से बातचीत भी की है कि कैसे इन समस्याओं का समाधान भी किया जा सके। बिल्कुल कमल, आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो है, चलिए कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। श्री गुरु रामराय यूनिवर्सिटी देहरादून, फर्स्ट ICAR एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश, भारी बारिश के चलते बड़ी संख्या में लोग हुए प्रभावित। कठुआ आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद, सीएम धामी ने जताई संवेदना, कहा वीर जवानों का शहीद होना बहुत कष्टकारी और दुखद क्षण। उधम सिंह नगर में आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया निरीक्षण, आपदा प्रभावित क्षेत्र का विस्तार से ली जानकारी। एम
डीडीओ उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने निजी स्कूल संचालकों के साथ की बैठक। स्कूल परिसर में करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था। हार्वेस्टिंग की व्यवस्था पर स्कूल संचालक सहमत। और ऋषिकेश में सत्यनारायण मंदिर के बाहर निकला असगर। हाईवे पर 2 से 3 मिनट तक रुका ट्रैफिक। रोड क्रॉस करने के बाद ट्रैफिक बहुत समाप्त। खाते पीते तो बहुत हैं पर आपकी सेहत नहीं बनती।